सत्यकाल अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। हजरत मोहम्मद की मोहब्बत इम्तिहान लेती है। लेकिन जिसको भी वो मोहब्बत मिलती है उसको तो आई थिंक किसी और चीज की जरूरत कभी होती ही नहीं। सही बात है ना। ऊपर से बयान है बाय पीर साकिब शामी जी, बहुत कमाल का होने वाला है। सो ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके आप भी देख लेना। शो करें प्ले। याद रखिए, मोहब्बत इम्तिहान भी लेती है। जब हुजूर से प्यार हो जाए ना तो हुजूर इम्तिहान भी लेती है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रदियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, वो रिवायत फरमाते हैं एक शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी वल्लाहि ला उहिब्बु, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मुझे अल्लाह की कसम मुझे आपसे प्यार है। हुजूर ने फरमाया, उन्ज़ुर माज़ा तक़ूल, देख ले तू क्या कह रहा है, देख ले तू क्या कह रहा है। उसने फिर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी वल्लाहि ला उहिब्बुक, हे आका मुझे अल्लाह की कसम मुझे आपसे प्यार हो चुका है। हुजूर ने फरमाया, उन्ज़ुर माज़ा तक़ूल, देख तू क्या कह रहा है। उसने फिर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी वल्लाहि ला उहिब्बुक, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह की कसम मुझे आपसे इश्क हो गया है, आपसे मोहब्बत हो गई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुझे मुझसे प्यार हो गया है, अइद्द लिल फक्र तिजफाफन फइन अल फक्र असरा इला मन युहिब्बुनी मिन السيل इला मुंतहा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुझे मुझसे प्यार हो गया है तो फिर फक्र के लिए तैयार हो जा, फिर भूख के लिए तैयार हो जा, फिर प्यास के लिए तैयार हो जा, फिर फाकों के लिए तैयार हो जा, फिर मुसीबतों के लिए तैयार हो जा, फिर मुश्किलों के लिए तैयार हो जा, फिर तकालीफ के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मेरा प्यार तो इम्तिहान लेता है, मेरी मोहब्बत तो इम्तिहान लेती है। जिसने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, फिर मोहब्बत ने इम्तिहान भी लिया। हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु मारूफ सहाबी रसूल हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये मक्कतुल मुकर्रमा का एक नौजवान, इंतहाई खूबरू, इंतहाई खूबसूरत नौजवान, माँ बाप का एक लोता बेटा। इसका बाप मक्कतुल मुकर्रमा के एक मारूफ कबीले का सरदार था और बाप बहुत अमीर था, और माँ बाप ने इस इकलौते बेटे की बहुत प्यारी परवरिश की थी, इस हद तक कि इसका लिबास शाही लिबास था, खाना शाही खाना था, रिहाइश शाही रिहाइश थी। इसका हर अंदाज जिंदगी का, जिंदगी गुजारने का हर तरीका मक्कतुल मुकर्रमा के बाकी लोगों से इंतहाई मुनफरिद था। ऐसा खूबसूरत था, ऐसा हसीन था मुसअब बिन उमैर, ऐसा हसीन था कि दूर से लोग इसको पहचान लेते थे, और इसके लिबास की चमक धमक ऐसी थी, इसके लिबास की जिलमिलाहट ऐसी थी कि दूर से लोग देखते और कहते, वो देखो मुसअब बिन उमैर आ रहा है। और ऐसा लिबास पहनता जो कपड़ा एक मर्तबा पहन लेता दूसरी मर्तबा पहनने की माँ बाप इजाजत नहीं देते। माँ बाप ने ऐसे लाड से, ऐसे नाज से इसकी परवरिश की थी। इसके कबीले के अलावा मक्कतुल मुकर्रमा के मुख्तलिफ इलाकों में इसके हुसन के चर्चे थे। इस कदर हसीन था यहाँ तक कि मक्कतुल मुकर्रमा के मुख्तलिफ कबीलों के लोगों, उनके घरों की बेटियों के पैगाम आते, और बेटियों की तमन्नाएं ये थी कि किसी तरह मुसअब बिन उमैर के दिल में जगह उनको मिल जाए, मुसअब बिन उमैर उनकी तरफ रागिब हो। ऐसा हसीन नौजवान, ऐसा मालदार नौजवान, इसके लिए अभी कोई रिश्ते का इंतखाब नहीं हुआ था, किसी से इसका ताल्लुक अभी बना नहीं था, लेकिन इसकी किस्मत का सितारा चमक उठता है, इसकी किस्मत का सितारा चमक उठता है। कैसे? एक दिन इसी मुसअब बिन उमैर ने कौनैन के वाली को देख लिया, इसी मुसअब बिन उमैर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसी मुखड़े को देख लिया, इसी मुसअब बिन उमैर ने चेहराए बद्दुहा को देख लिया, वल फजर के गालों को देख लिया, वल लैल की जुल्फों को देख लिया, ताहा की तजल्लियों को देख लिया, यासी की चमक वाले हसीन दांतों को देख लिया, आका के हुसन को देख लिया, और अपना दिल आका के हवाले कर दिया, आका का दीवाना हो गया। इसके वालदैन गैर मुस्लिम थे, ये गैर मुस्लिम था, आका की बारगाह में हाजिर होता है, कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलामी का पटा मेरे गले में डाल दीजिए, मुझे कबूल कर लीजिए, मुझे अपना गुलाम बना लीजिए,
आका ने मुसअब बिन उमेर को कलिमा पढ़ाया, मुसअब बिन उमेर ने कलिमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। ईमान लाने के बाद यही मुसअब बिन उमेर अपने वालिदैन के पास जाता है। अब वालिदैन की मोहब्बतें मुसीबतों में बदल जाती हैं, अब वालिदैन की मोहब्बतें नफरतों में बदल जाती हैं। वो वालिदैन जो प्यार किया करते थे, वो वालिदा जो इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, चंद लम्हों के लिए ये चहीता बेटा जब दूर हो जाता तो माँ परेशान हो जाती, लेकिन अब माँ की मोहब्बत नफरत में बदल गई है। क्यों? क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे। ये आका का दीवाना हो गया है, आका का आशिक हो गया है। वालिदैन ने बड़ी बड़ी तकलीफें दी, बड़ी बड़ी अजियतें दी, बहुत ज्यादा तकलीफें दी, यहाँ तक कि खाना पीना सब पर पाबंदी लग गई, ना खाना देते ना पानी देते। यहाँ तक कि वालिदा ने कहा कि अगर तू मोहम्मद अरबी के प्यार को छोड़ता नहीं है, अगर अपने दिल से मोहम्मद अरबी की मोहब्बत को निकालेगा नहीं, तो तुझे घर से निकाल देंगे। हर तरीका इख्तियार किया, हर कोशिश की कि किसी तरह मुसअब बिन उमेर को हुजूर से दूर कर दें, लेकिन मुसअब बिन उमेर गोया कह रहा है कि है मेरी वालिदा, जो करना चाहती है कर ले, जो बात कहना चाहती है कह ले, अब मैं दिल आकाए दो आलम को दे चुका हूँ, अपना दिल कौनैन के वाली के हवाले कर चुका हूँ। वो वक्त भी आता है, माँ ने एक तरकीब बनाई, माँ ने कहा हम ऐसा काम करते हैं, क्योंकि मेरा चहीता बेटा है, मैंने ही इसकी परवरिश की है, मैंने ही इसको पाला है। माँ ने कहा कि इसको इस तरह तकलीफ देते हैं, माँ ने कहा कि आज के बाद मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरी तकलीफ देखेगा, मेरी भूख देखेगा, मेरी प्यास देखेगा, मेरी भूख और प्यास देख कर मोहम्मद अरबी का साथ छोड़ देगा, इस्लाम को छोड़ देगा। लेकिन उसने कहा है मेरी माँ तू खाना नहीं खाती तो ना खा, मेरे दिल में तकलीफ तो है, मुझे परेशानी तो है मेरी माँ तुझसे मोहब्बत तो करता हूँ, लेकिन है मेरी माँ तुझ जैसी हजारों माएं काली कमली वाली सरकार पे कुर्बान, कौनैन के वाली पर कुर्बान, आकाए दो जहां पर कुर्बान। वो वक्त भी आया कि जब माँ बाप ने फैसला कर दिया कि हम अपने इस बेटे मुसअब बिन उमेर को अपने घर से निकाल देंगे, माँ बाप ने मुसअब बिन उमेर को घर से निकाल दिया, पहनने के कपड़े भी मुसअब बिन उमेर से छीन लिए गए, यहाँ तक कि मुसअब बिन उमेर ने इरादा किया मक्कतुल मुकर्रमा से, यही मुसअब बिन उमेर मदीनतुल मुनव्वरा में जा रहे हैं। मदीनतुल मुनव्वरा में जब ये जाते हैं तो वो हसीन मंजर, वो नूर मंजर भी कैसा मंजर है, सीरत की किताबों में आता है, हदीस शरीफ में भी आता है कि उस वक्त सहाबा किराम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठे हैं, कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द, जिस तरह शमा के गिर्द परवाने मौजूद होते हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं, और वो मंजर भी क्या खूबसूरत मंजर होगा। उधर देखते हैं कि मुसअब बिन उमेर आ रहे हैं मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब, मुसअब बिन उमेर आ रहे हैं। सहाबा ने जब मुसअब बिन उमेर को देखा, ये अजीब और गरीब मंजर देखा, वही मुसअब बिन उमेर जिसका लिबास शाही लिबास था, जिसकी खुराक शाही खुराक थी, जिसकी सवारी शाही सवारी थी, मुसअब बिन उमेर जिसके हुसन के चर्चे मक्कतुल मुकर्रमा में थे, जब देखा कि मेंढे की खाल पहनकर वो मुसअब बिन उमेर मदीनतुल मुनव्वरा में आका के दीदार के लिए आ रहे हैं, तो सहाबा ने जब वो मुसअब बिन उमेर के चेहरे पर भूख और प्यास के आसार देखे, तो सहाबा पर रिक्कत तारी हो गई, रोना शुरू कर दिया, और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की चीखें निकल गई, अरे ये वो मुसअब बिन उमेर है जिसकी माँ और जिसका बाप इसकी परवरिश इस अहसन अंदाज में करते थे, एक मर्तबा जो कपड़े पहन लेता दूसरी मर्तबा पहनने की इजाजत नहीं होती थी, आका का प्यार है, आका की मोहब्बत है, आज मुसअब बिन उमेर पर प्यार ने कैसा इम्तिहान लिया, कैसा इम्तिहान लिया। उस वक्त कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा से बाहर निकलते हैं, मेरे आका ने जब मुसअब बिन उमेर को देखा तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया है मेरे सहाबा देखो, मुझे अल्लाह की कसम, मुझे अल्लाह की कसम, उस रब की कसम जिसके कब्जाए कुदरत में मेरी जान है, मैंने इस मुसअब बिन उमेर को मक्का की गलियों में देखा था, इसके हुस्न के चर्चे मक्कतुल मुकर्रमा में थे, ये वो मुसअब बिन उमेर है जो शाही लिबास पहनता था, ये मुसअब बिन उमेर है जो अपनी माँ से चंद लम्हों के लिए जुदा होता तो माँ परेशान हो जाती, अब देख लो मेरे प्यार ने कैसा इम्तिहान लिया है, मेरे इश्क ने कैसा इम्तिहान लिया है, देखो कि मेरी मोहब्बत ने मेरे मुसअब का क्या हाल कर दिया है, मेरे मुसअब को देखो। सहाबा रो रहे हैं, मुसअब बिन उमेर मेंढे की खाल पहनकर मस्जिद नबवी शरीफ में आते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इसकी जाहिरी हालत को ना देखो, है मेरे सहाबा इसके जाहिर को ना देखो, वल्लाही मुझे अल्लाह की कसम कि इस नौजवान को देखो, अल्लाह ने इसके दिल में नूर पैदा कर दिया, इसके मुस्तफा की चमक पैदा कर दी है, जब से ये मेरा दीवाना हुआ है इसका दिल नूरानी हो गया है। आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मत कहो
प्यार इम्तिहान नहीं लेता, प्यार इम्तिहान लेता है। ये कौनैन के वाली का प्यार है, जिसे मिल जाए फिर मोहब्बत इम्तिहान भी लेगी। वो मुसअब बिन उमेर जो अमीर तरीन घराने से ताल्लुक रखता था, आका के प्यार ने कैसे कैसे इम्तिहान लिए। और यही वो मुसअब बिन उमेर है कि जंगे अहद में जब दुश्मन आका पर हमला कर रहे थे तो ये मुसअब बिन उमेर अपने सीने पर उन तलवारों के वारों को रोकता था, उन तीरों के वारों को अपने सीने पर रोकता था। ये वही मुसअब बिन उमेर है कि जंगे अहद में जब आका पर हमला हुआ तो मुसअब बिन उमेर अपने सीने पर नेजों तलवारों और तीरों के वारों को रोकता रोकता आका की मोहब्बत में शहीद हो गया, आका की मोहब्बत में जान दे दी। मुसअब बिन उमेर अपने इम्तिहान में पूरी तरह से पास हो गए, पूरी तरह से। जब उन्होंने कहा अल्लाह से कि मैं आपसे इश्क कर बैठा हूँ, तो अल्लाह कहते ठीक है, अब तुम भूख के लिए या हर किसी चीज़ के तरसते रह जाओगे, इसके तुम तैयार हो जाओ। उनके माँ बाप ने उनको ऐसे पाला था कि जैसे एक कपड़ा एक बार पहनाया दूसरी बार उसे पहनने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उसको घर से, उनको घर से निकाला है ना, उनके पास सिर्फ एक ही लिबास था, भूख से वो तड़प रहे थे, है ना। तो उन्होंने जब अल्लाह ने कहा कि ये है मेरी मोहब्बत का इम्तिहान, है ना, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद की जो मोहब्बत मोहब्बत जो है वो हर किसी को आसानी से नहीं मिलती है, बहुत ज्यादा इम्तिहान देने पड़ते हैं, और जो इस इम्तिहान में पास हो जाए तो वो एक जन्नत का हकदार तो हो ही जाता है, और उसी जिंदगी जो भी है सारी की सारी वो एक फिर सीधी लाइफ पे चल पड़ती है, सिंपल सीधी सही बात है ना। बिल्कुल, उसको फिर दुनिया में किसी चीज की चाह नहीं रहती, पैसा मोह माया ये किसी चीज की, इसको अल्लाह का प्यार मिल जाए ना वो तो एक फिर यार मतलब ब्लेसिंग ही हो गया। तो बाकी तो फिलहाल था गाइस, थैंक यू। एक और पहले भी बात मेरे साथ ये चीज फिर से बोलो बोलने का। सो गाइस थैंक यू, रोज बोलता हूँ मैं, साल में एक बार होता है, साल में मैं नहीं एक महीने में दो बार हो चुका है। अच्छा ये बड़ी पहले हुआ था, तीन चार महीने पहले हुई, तब भी मैसेज आ रहे थे यार तेरे को, पता नहीं कौन सी वीडियो थी वो। तो बाकी तो इस वीडियो में था गाइस थैंक यू, अब ठीक था, बाकी तो इस वीडियो में था गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।